रोटियां परोसते समय चार गलतियां भूल से भी ना करें। एक, अगर आप किसी को खाना परोस रहे हैं तो ध्यान रखें कि रोटी हमेशा थाली में ही रखें। थाली में रोटी खत्म होने पर दूसरी प्लेट में रोटी रख कर ले जाएं। गलती से भी हाथ में रोटी न लेकर जाएं। हाथ में रोटी लेकर सर्व करना अशुभ माना गया है। दो, कई बार रात को बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देते हैं और फिर सुबह उसकी रोटियां बनाते हैं। वास्तु के अनुसार कभी भी बासी आटे की रोटियां नहीं बनानी चाहिए, इसकी वजह से घर में नेगेटिविटी आती है और माहौल खराब होता है। तीन, अक्सर आपने सुना होगा कि कभी भी थाली में तीन रोटी नहीं रखनी चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसकी वजह से कुंडली के शुभ ग्रहों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, साथ ही घर की सुख शांति समृद्धि भी चली जाती है। चार, अक्सर ऐसा होता है कि रोटियां बच जाने पर कई घरों में उन्हें रख लिया जाता है और बाद में खा लिया जाता है। यदि आप उन रोटियों को खुद खाते हैं तो कोई बात नहीं है, परंतु यदि आप उन्हीं रोटियों को किसी साधु संत या मेहमान को खिलाते हैं तो भगवान आपसे नाराज हो जाते हैं, जिस वजह से आपका हंसता खेलता घर भी बर्बाद होने लग जाता है। सुखमय जीवन की शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।